आज के इस दौर में जहां पर दहेज के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि दहेज में 25 लाख दो, 30 लाख दो, बेटे सरकारी नौकरी में है तो 1 करोड़ दे दो अगर हो सके तो। ऐसे दौर में सीआरपीएफ के एक एसआई ने बड़ी मिसाल पेश की है। झुंझुनू के ये एसआई हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपये लिया है और साथ ही साथ एक नारियल लिया है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने पहले ही तय कर लिया था कि वो सिर्फ बहू लेकर आएंगे, साथ में 1 रुपये और नारियल दहेज में लेंगे। और तो और बहू को मुंह दिखाई में सास ने 11 लाख रुपए की लग्जरी कार भी गिफ्ट की है। और इसी वजह से ये जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं सोशल मीडिया पर छाई हुई है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो यह खबर है झुंझुनू के खांडवा गांव से, जहां के रामकिशन यादव सीआरपीएफ में एसआई के पद पर तैनात हैं। उनके इकलौते बेटे रामवीर की शादी अलवर के खुवाना गांव में 5 फरवरी को हुई थी। रामकिशन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा ने यह तय किया था कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी बिना दहेज के करेंगे। शगुन के तौर पर परिवार से सिर्फ 1 रुपये लेंगे और नारियल लेंगे। रविवार को जब बहू ईशा घर आई तो सास ने मुंह दिखाई में उसको कार गिफ्ट कर दी। बहू की मुंह दिखाई में कार देने की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। दुल्हन ईशा बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, दुल्हन रामवीर भी एमएससी कर रहा है। रामकिशन ने बताया कि पत्नी की जिद थी कि मुंह दिखाई में बहू को बड़ा गिफ्ट देंगे, इसके बाद तय किया कि वो कार गिफ्ट करेंगे। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, सरप्राइज रखा था। जैसे ही बहू घर आई तो उसे कार की चाबी थमा दी। वहीं ईशा ने बताया कि मैं इस घर में बहू नहीं बेटी बनकर आई हूँ। मेरी शादी खांडवा गांव में हुई है। मेरे सास ससुर ने बहू के रूप में न मानकर बेटी के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने आज मेरे को मुंह दिखाए में गाड़ी गिफ्ट की है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। इस मौके पर वहां मौजूद सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने तारीफ भी की इस दंपति की और कहा कि ये पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। वाकई रामकिशन यादव ने एक सकारात्मक मिसाल पेश की है जो एक बदलाव लाएगी ऐसे समाज में, जहां बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई बेटा पैदा हो गया है तो दहेज का इंतज़ाम हो गया है, बहू लेकर आएंगे साथ में, खूब मालामाल हो जाएंगे, खूब दहेज लेकर आएंगे। ऐसे लोगों की संकीर्ण मानसिकता में सुधार लाने के लिए रामकिशन यादव जैसे लोग समाज में बड़े ज़रूरी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।